सोलन में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिसके चलते शहरवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार सड़कों पर घूमते ये आवारा पशु दुर्घटनाओं का कारण बन रहे थे। कई लोगों को इनकी वजह से जान भी गंवानी पड़ी है। इस समस्या का हल अब प्रदेश सरकार उच्च स्तर पर करने जा रही है। पशुपालन विभाग ने दावा किया है कि दिसंबर माह के अंत तक सोलन की सड़कों पर कोई भी आवारा पशु दिखाई नहीं देगा। उन्हें सोलन में चल रही विभिन्न पशुशालाओं में छोड़ा जाएगा। साथ ही गौ अभयारण्य प्रदेश सरकार द्वारा नालागढ़ में खोला जा रहा है। ये अभयारण्य बेसहारा पशुओं की शरण स्थली बनेगी। ये जानकारी पशुपालन विभाग के उपनिदेशक भारत भूषण गुप्ता ने मीडिया को दी। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक भारत भूषण गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला सोलन में अब आवारा पशुओं की समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि जिला सोलन में 29 गौशालाएं चल रही हैं, जिनमें समय समय पर विभाग सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं को पकड़कर छोड़ता रहता है। उन्होंने बताया कि अब नालागढ़ में प्रदेश सरकार बहुत बड़ा गौ अभयारण्य खोलने जा रही है। ये अभयारण्य दिसंबर माह के अंत तक तैयार हो जाएगा और इसमें सैकड़ों आवारा पशुओं को स्वतंत्र रूप से रखा जाएगा। इस अभयारण्य के आरंभ होते ही जिला को आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिल पाएगी। देखिए, बेसहारा पशुओं की समस्या तो पूरे प्रदेश में है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है कि अगले डेढ़ वर्ष में जो है हिमाचल प्रदेश को बेसहारा पशु मुक्त कर दिया जाएगा। कोई भी पशु सड़कों पर नहीं रहेंगे, इनको आश्रय प्रदान किया जाएगा। विभिन्न गौशालाएं जो हैं हमारे जिला सोलन में अगर बात करें तो इस समय 29 गौसदन चल रहे हैं और एक काऊ सेंचुरी जो है हंडाकुंडी में बनने जा रही है। शायद 15-20 दिन या इस महीने के अंत तक दिसंबर में उसको फंक्शनल कर दिया जाएगा। अभी रिसेंटली हमने 35 पशु जो बेसहारा सड़कों पे घूम रहे थे सोलन और धर्मपुर के क्षेत्र से, उनको लिफ्ट किया है और नज़दीक के गौ सदनों में भेजा गया है और एक विशेष अभियान विभाग द्वारा चलाया जाएगा जिसमें जो 4 सब डिवीज़न हमारे हैं, नालागढ़, अर्की, कंडाघाट और सोलन, इन सभी में जहाँ जहाँ भी बेसहारा पशु हैं सड़कों पर घूम रहे हैं, इनको लिफ्ट किया जाएगा और इनको आश्रय प्रदान किया जाएगा ताकि सोलन जिले को ये सड़कों पर घूम रहे जो पशु हैं इनसे मुक्त करवाया जा सके। ना पशुओं को परेशानी हो और ना ही जो है इनकी वजह से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या फसलों को नुकसान हो रहा है किसानों की, उसको भी बचाया जा सके। विभाग इसमें कार्यरत है।